सच्चिदानंद भगवान की, प्रत्यावती रामचंद्र की। आज मैं श्रीमान त्रिपाठी आप सबके सम्मुख एक कथा लेके आया हूँ। कथा का मेन सोर्स वह है भगवान के हजारों नाम, लाखों करोड़ों नाम है, बहुत नाम है भगवान के, आप तो जानते ही होंगे भगवान बहुत नाम है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसने भगवान का एक ऐसा नाम, बहुत विचित्र नाम रखा है, और क्या है आप इस कथा के माध्यम से सुनिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि हमारी मेरी कथा, मेरा भजन और भी भजन कथा आपको समझने पे मिलती रहे, ताकि हर कथा हर भजन सब आपको समय समय पर मिलती रहे, ताकि हर भजन हर कथा का आप आनंद ले सके। और तो आइए हम आपको वह कथा सुनाना शुरू करते हैं। बोला सच्चिदानंद भगवान की। एक व्यक्ति था गाय चलाने वाला था, बहुत सुंदर था, बोला बहुत था, कोई चीज कोई से कह दिया जाए इसको यो करो, अगर उसको जरूर करता था, बहुत भला था। वो गाय सुबह सुबह चलाता तो उनकी गाय जो थी अब वो जो है उनकी उम्र ज्यादा हो रही थी, बुढ़ापा आ गया तब ज्यादा वो जो है चल फिर नहीं पाती थी, कुछ खाने को रोज खाती नहीं थी, दूध भी बहुत कम देती थी, तो अब उससे बहुत परेशान था। एक दिन वही गाय चराने गया तो उसने देखा कि एक संत जी बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं। जब ब्राह्मण को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये जो है साधु महात्मा है, हम इनसे कहेंगे हमारे गाय का दूध बढ़ाने के लिए कोई उपाय बताओ तो खटाक से बता देंगे। अरे भाई ब्राह्मण है, इतना तो कर सकते हैं। और पहले के जमाने में होता था कि जो वाणी जो संत कह देता था वही चीज होनी सत्य थी, लेकिन आज तो हजारों पंडा बन के बैठे हैं, हजारों ब्राह्मण बने हैं, कोई एक परसेंट ऐसा नहीं है कि जो है जो पैसा कोई ना मिले तो खुश रह सकता है। सिर्फ जैसे लोग मंत्र सही नहीं बोलेंगे लेकिन दर्शना जरूर सही चलवाएंगे। तब में और अब में बहुत अंतर हो गया है। पहले के ब्राह्मण जो आप चढ़ा दीजिए वही है, जो न दीजिए नहीं है कुछ, लेकिन अब क्या है, अब जब तक मिले महाराज दक्षिणा पहले 551 चढ़ावा, 1000 चढ़ावा, 1001 चढ़ावा, 108 चढ़ावा, तो अब दक्षिणा का मूल्य हो गया, कथा का कोई मूल्य रह ही नहीं गया। जो यजमान करा भी रहे वो भी कह देते हैं महाराज जी कहीं बिजी हैं, तो महाराज कहते हैं महाराज जी आ जाओ 2-3 हजार रुपए आपको दे देंगे। महाराजों जी महाराज यजमान की जब जो है, क्योंकि कलयुग का समय है, कम में और उसमें बहुत अंतर था, कलयुग का प्रभाव, कलयुग के प्रभाव में एक ऐसा प्रभाव है कि पहले जो चीज सतयुग में, जैसे पहले सतयुग था तो उसमें तपस्या कीजिए जितना 10 साल 1 साल ऐसे ऐसे तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होता था। लेकिन अब इस कलयुग में एक राजा परीक्षित ने इसको क्यों छोड़ा, कलयुग क्यों छोड़ा, क्योंकि इसमें एक गुण क्या था कि नाम, इस कलयुग में सिर्फ नाम ही एक सार है, नाम लेने से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। तो
वह जो है ग्वाला जो है ब्राह्मण देव के पास गया और कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ पुत्र बोलो, हमारा जो है हमारी गाय जो है दूध नहीं देती, कोई ऐसा मंत्र बताइए भगवान का जितने जो है बोले तो भगवान हमारी गाय दूध बढ़ा दे। वो सोचे कि भोला भाला बच्चा है, क्या इसको होता है, कहा ठीक है नरसिंह नरसिंह जपो नरसिंह नरसिंह। अब वो चला गया, गाय चर रही है, वो अपने भाई के ध्यान मग नरसिंह 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 कर रहा है। घर गया, गाय बांधी, फिर कुछ देर कुछ मिनट फिर भगवान का जाप किया, उसके बाद वो चला गया विश्राम करने। सो गया, सुबह उठा तो मंत्र याद ही नहीं है, क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है। उसने कहा याद आ गया, याद क्या है, भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। अब वही भैंस का सिंह जपने लगा। अब जब जो है भैंस का सिंह जपने लगा तो लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि देवी चलो मैं आपको आज अपने एक नए नाम को सुनाता हूँ, चलो आपको मैं दिखाता हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा महाराज क्या नाम है क्या नाम बता दूंगा तो आप हंसोगी, इसलिए चलो आप खुद ही सुन लो, लेकिन हंसिएगा मत, ठीक है। चलो ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेके चल दिए गए उसी ग्वाले के पास। पूछे क्या जप कर रहे हो, महाराज हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, क्या जप कर रहे हो क्या नाम जप रहे हो, नरसिंह तो भगवान ने कहा लक्ष्मी से कि देखा देवी ये है मेरा नया नाम भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। अब वह बालक से पूछा महाराज भगवान ने कि अच्छा ये होता मान लो भगवान प्रकट हो जाए तुमको कैसे पता लगेगा, पहचानते हो उनको, भगवान आएंगे स्वयं मुझको बताएंगे। उन्होंने पूछा कि तुम चाहते क्या हो, महाराज बस यही चाहता हूँ मेरे गाय जो बढ़ा देते हैं भगवान लक्ष्मण नारायण प्रकट हो गए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जो है भगवान में प्रकट हो गया, वाले घर माँ को बेटा तुम क्या चाहते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमको तुम पर। भगवान ने कहा महाराज मुझको कुछ मत दीजिए लेकिन मेरा इतना काम कर दिए, मेरी गाय ही जो है दूध बढ़ा दे और कुछ होने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, लो आनंद कन्न भगवान की जय हो, रति आवती रामचंद्र की जय हो।